हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू द एम साइंस एकेडमी मैं हूं हुए श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे एफिशिएंसी हम इस्टेलाइजेशन के कुछ एवोल्यूशनरी जो पैरा एवोल्यूशन के जो पैरामीटर्स हैं जो कि हमें स्टेलाइजेशन के एफिशिएंसी को दिखाते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे इसमें जो पैरामीटर्स हैं उसमें हम कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज को डिटर्माइन करेंगे जिससे हमें ये पता लगेगा कि जो हमारा स्टेलाइजिंग एजेंट है अगर उसकी कुछ वैल्यूज जैसे डी वैल्यू, जेड वैल्यू एफ वैल्यूज जो भी हम पढ़ेंगे उनकी अगर वो वैल्यूज फ्लक्चुएट होती है या वो वैल्यूज़ अगर गड़बड़ाती हैं या वो वैल्यूज़ जितनी आ रही है उस हिसाब से उस स्टलाइजेशन मैथड का एफिशियंसी पता लगेगी तो किसी भी स्टलाइजेशन मैथड की एफिशियंसी को पता करने के लिए हमने कुछ पैरामीटर्स डिसाइड किए हैं जो कि हम हमें ये बताते हैं कि कितने टाइम पे कितने टेम्परेचर पे कितना बायोलॉजिकल लोड कम हुआ है या कितना परसेंट कम हुआ है ठीक है तो बायोलॉजिकल लॉड मतलब कि किसी सरफेस पे या किसी जगह पे माइक्रोबियल सिस्टम का जो है वो टोटल माइक्रोब्स जो होते हैं उसे बायोलॉजिकल लोड कहा जाता है ठीक है तो यहाँ पर जो है

लेकिन यहाँ पर सबसे पहले इन वैल्यूज पर जाने से पहले हम कुछ हम एक चीज़ बात करना चाहेंगे दैट इज द सर्वाइवर कर्व या सर्वाइवल कर्व भी बोल सर्वाइवर कर्व बोल सकते हो या ऐसे डेथ रेट भी बोल सकते हो इसके अंदर हम ये बात करते हैं कि सपोज दैट कि अगर हमारे पास कोई होमोजीनस सोल्यूशन है माइक्रोब्स का तो और अगर हम उसको हीट करते हैं कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर इफ ए होमोजीनस सस्पेंशन of microorganism is heated at constant temperature the microorganism destruction commonly follows the logarithm order of death matlab ki jab hum kisi microbe system ko किसी homogeneous suspension को microbes के suspension को अगर हम गर्म करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उनके अंदर एकदम से इस तरीके से रदमिक इस इस तरीके से एक logarithm downfall आता है ठीक है जिसको हम यानी कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हम इसको बोलते हैं कि जो माइक्रोब सिस्टम है वो एकदम से एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है ठीक है इस तरीके के कर्व को हम बोलते हैं सर्वाइवर कर्व ये जो फू खींचा जाता है नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर यूनिट वॉल्यूम और टाइम के बीच में लिया जाता है ठीक है तो इससे हमें पता लग जाता है कि इतने टाइम पे कितने माइक्रोव बचे हुए हैं जैसे इस टाइम पे इतने माइक्रोव बचे हैं इस टाइम पे इतने माइक्रोव बचे हैं तो इसीलिए इसके अलावा इससे हमें डेथ रेट का भी पता लगता है कि भाई इतने टाइम में इतने हुए इतने टाइम में इतने जो है उनकी डेथ हुई तो इसीलिए ये जो सर्वाइवल कर्व है जो कि हमें सर्वाइवल परसेंटेज भी दिखाता है साथ में हमें कितने माइक्रो अगर जितने सर्वाइवल हैं उसका अपोजिट क्या होगा उनकी डेथ हो गई तो ये डेथ रेट और सर्वाइवल कर्व दोनों सर्वाइवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों को ही बताता है ठीक है अब यहाँ पर हम आगे बात कर लेते हैं डी वैल्यू की वट इज़ द डी वैल्यू डी वैल्यू रिप्रेजेंट फॉर द डेसीमल रिडक्शन टाइम डी वैल्यू को किसको रिप्रेजेंट करता है डेसिमल रिडक्शन टाइम को या इसको एक और नाम से हम बोलते हैं डेसीमल रिडक्शन डोज ठीक है डेसिमल रिडक्शन टाइम में डेसिमल रिडक्शन डोज के नाम से भी हम इसे जानते हैं अब डेसीमल या डी वैल्यू है क्या डी वैल्यू सीधी सी बात है इसमें ब इसमें जितने भी मैंने वीडियोज देखे सब इतना घुमा फिरा के बोल रहे हैं जैसे जाने क्या है देखिए इसमें ये वो टाइम है यानी कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब हम कोई हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो वहां पर हम कितने टाइम में जो माइक्रोबियल फ्लोरा है जो माइक्रोब सिस्टम है वो 90 परसेंट डिडक्ट हो जाए ठीक है 90 परसेंट रिड्यूस हो जाए यानी 90 परसेंट माइक्रोब्स को किल करने के लिए कितना टाइम चाहिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर ठीक है इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90 परसेंट रिडक्शन और 90 रिडक्शन जब होगा तब मैं उसे एक लॉक साइकिल बोलूंगी ठीक है और इसको मैं ये भी बोलूंगी कि टेन फोल्ड रिडक्शन यानी कि जो है टेन फोल्ड कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगी अभी टेन फोल्ड रिडक्शन ऑफ इनिशियल माइक्रोबियल पॉपुलेशन ठीक है अब यहां पर अगर हम बात करें कि नब्बे परसेंट माइक्रोब्स मर गए हैं एक कांस्टेंट टेम्परेचर ट्रीटमेंट पे कितने टाइम में तो वो टाइम जो होगा दैट इज क्या होगा डी वैल्यू तो डी जो आपकी डी वैल्यू होगी उसकी यूनिट क्या होगी उसकी यूनिट होगी टाइम में या मिनट में भाई जो टाइम की यूनिट है वही आपकी जो है डी वैल्यू की यूनिट आएगी ठीक है और होगा कहां पर एक्स एक्सिस पे होगा अब इसको आप समझिए कि यहां पर जो हमारा सर्वाइवल कर्व था उसी से मैंने एक कर्व लिया है यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हैं टेन हंड्रेड थाउजेंड ये लॉग की वैल्यूज़ हैं ठीक है यानी कि जब मैं इनको जो मेरा ये नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पर यूनिट वॉल्यूम के एक्सपोनेंशियल डिक्रीज कर्व को जब मैं इस पैरामीटर को लॉग में कन्वर्ट करती हूँ तो ये टेन के डिजिट्स में आता है अगर आपने लॉग के बारे में थोड़ा पढ़ा हो तो जनरली लॉग जो होता है वो टेन की बेस पे हम जो है डिसाइड करते हैं टेन्स पावर टू टेन्स पावर थ्री ठीक है तो जनरली जो लॉग होगा वो टेन की डिस टेन की जो है पावर्स पे होता है ठीक है टेन की पावर वन टेन की पावर टू टेन की पावर थ्री इस तरीके से ठीक है तो जब मैंने सर्वाइवल कर्व से मैंने ये ग्राफ खींचा और लॉग में ये वैल्यूज कितनी है लॉग में ये वैल्यूज हैं तो मैंने ये देखा कि जब टेन 10 से हंड्रेड हुआ सॉरी जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म था तो यहां पर टाइम था टी वन सपोज था टी वन और यहां पर जो आपका थाउजेंड से हंड्रेड हुआ तो ये हो गया टी टू तो ये कितने फोल्ड कम हुआ टेन फोल्ड मतलब दस गुना कम हो गया ठीक है अब द, दस गुना कम हो गया लेकिन अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन तो होगा तो नाइनटी रिडक्शन के लिए कैसा हुआ? कि थावजन था, थावजन था, तो कितना घटा ठीक है इसको अगर मैं नाइन्टी परसेंट रिडक्शन वैल्यू निकालना चाहूं तो अगर थाउजेंड है थाउजेंड के बाद कितना बचा कितना रिमेनिंग रहा कितना बचा हंड्रेड तो थाउजेंड था तो कितना मरा कितने माइक्रो ऑर्गेजम मरे नौ सौ मरे तो अगर एक था तो कितना मरे और सो था क्योंकि परसेंटेज हम सौ पे निकालते हैं ये ध्यान है तो यहां पर कितना हो गया एक दो तीन एक दो तीन है ना तो ये हो गया 90%। परसेंट तो 90% परसेंट रिडक्शन आया कि नहीं आया ठीक है तो यानी कि टेन फोल्ड बोल दीजिए या नाइन्टी परसेंट रिडक्शन बोल दीजिए ठीक है इस चीज को समझ में आया आई थिंक ये पॉइंट आपको बहुत क्लियर होना चाहिए ठीक है तो टेन परसेंट या नाइन्टी परसेंट रिडक्शन और टेन फोल्ड रिडक्शन टेन फोल्ड मतलब दस गुना ये दस गुना कम हुआ ये दस गुना कम हुआ ठीक है लेकिन अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो नब्बे परसेंट कम हुआ है ठीक है क्योंकि थाउजेंड से सौ पे आया तो थाउजेंड से थाउजेंड था तो नौ बचा एक था तो हजार और फिर सौ था तो कितना ऐसे निकालते हो परसेंटेज तो नौ सौ अपन हजार इंटू हंड्रेड तो ये हो गया आपका नाइन्टी परसेंट डिडक्शन तो आप दोनों ही चीज बोल सकते हो कि या तो टेन फोल्ड कम हुआ है या नाइन्टी परसेंट डिडक्शन हुआ है समझ में आ गई बात तो नाइन्टी परसेंट डिडक्शन के लिए जो टाइम था ये जो टाइम था ये वाला टी वन से टी टू तक है ना ये आपका ये आपकी आ गई डी वैल्यू समझ में आ गई तो डी वैल्यू की यूनिट किस में आएगी मिनट में या टाइम में जिस टाइम में आपने लिया है और जनरली ये आपका आएगा एक्स एक्सेस पे ठीक है अगर मैं डी की बात करूं तो डी जो होगा वो उसका जो फॉर्मूला है दैट इज टी अपॉन लॉग एन नॉट माइनस लॉग एन टी जो टी है यहाँ पर वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है एन नॉट मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट इनिशियल टाइम मतलब कि इनिशियल टाइम में जब हमने एसटेलाइजिंग uh, एजेंट को शुरू किया है तो कितना माइक्रोबियल फ्लोरा है कितना माइक्रो ऑर्गेजम है और एंटी मतलब टी टाइम के बाद कितना माइक्रो ऑर्गेजम है ठीक है और यहाँ पर अगर आप ये कहें कि डी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी उससे क्या फ़र्क पड़ता है सपोज दैट कि अगर डी वैल्यू यानी टाइम की वैल्यू कम है तो उस एस्टेलाइजिंग एजेंट की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी भाई सीधी सी बात है कि अगर 90 परसेंट डिडक्शन होने में वो कम टाइम ले रहा है तो वो ज़्यादा एफिशिएंट है तो यहाँ पर डी वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज होगी तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी ये ध्यान रखिएगा तो स्टलाइजिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी अगर डी वैल्यू कम है यानी टाइम कम लग रहा है तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी जो फैक्टर्स है, हैं वो होंगे टाइप्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करेगा यानी कि डी वैल्यू को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप्स पे इसके अलावा डोज और फॉर्मुलेशन पे डोज और फॉर्मुलेशन पे ये डिपेंड करता है ठीक है और आ, जो है इसके अलावा जो सरफेस जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म सरफेस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस सरफेस पे भी काफी इफेक्ट होता है काफी फर्क पड़ता है अच्छा अब हम कैसे इसकी इम्पोर्टेंस क्या है वट आर द इम्पोर्टेंस द इम्पोर्टेंस आप कि जो आपके डी वैल्यू है डी वैल्यू से हम z वैल्यू और f वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो यहां पर जो इंपॉर्टेंस है दैट इज टू डिटरमाइन एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूं है ना हाँ तो d वैल्यू जो है d वैल्यू सबसे पहले कि d वैल्यू डिटरमाइन द z वैल्यू एंड f वैल्यू है ना टू डिटरमाइन z वैल्यू एंड f वैल्यू और दूसरी बात ये कि d वैल्यू जो होती है वो हेल्प करती है हमें ये चुनने में कि कौन सा स्टलाइजिंग एजेंट है ठीक है तो डी वैल्यू हेल्प टू चूज द डिटर्माइनेशन ऑफ द डिटरमिनेशन की दैट कौन सा हमेस्टलाइजिंग एजेंट यूज करना चाहिए तो आई थिंक आपको डी वैल्यू का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट दैट जेड वैल्यू एफ वैल्यू क्यूटे एंड इनएक्टिवेशन फैक्टर्स की नाउ वट इज द जेड वैल्यू ठीक है अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे uh, जो पैरामीटर है दैट इज द जेड वैल्यू और जेड वैल्यू क्या है Z सबसे पहली बात की जो Z वैल्यू होती है वो हमारे जो आपका D वैल्यू है उसकी अपोजिट होती है उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है यानी कि अगर D ज़्यादा तो Z कम Z कम तो D ज़्यादा अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि Z वैल्यू आखिर होती क्या है ये थर्मल रेजिस्टेंस कॉन्स कॉन्स्टेंट है या थर्मल डिस्ट्रक्शन वैल्यू भी आप इसको बोल सकते हो इसका मतलब क्या है इसकी डेफिनेशन क्या कहती है इट इज़ अ नंबर ऑफ डिग्री ऑफ टेम्परेचर चेंज रिक्वायर टू प्रोड्यूस टेन फोल्ड चेंज इन डी वैल्यू मतलब कि डी वैल्यू के में दस गुना चेंज करने के लिए हमें कितना टेम्परेचर में चेंज करना है यानी कि अगर डी वैल्यू जितनी भी है देखिए हमने क्या कहा है स्टेलाइजिंग एफिशिएंसी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी वैल्यू अब डी वैल्यू में हमें जो है दस गुना कम ही करनी है डी वैल्यू में हम चाहते हैं कि और कम ही हो जाए डी वैल्यू और डिडक्ट हो जाए बाय वन बाय टेन ठीक है तो हमें टेम्परेचर में कितना इंक्रीज करना पड़ेगा इट इज द इंक्रीज इन द टेम्परेचर रिक्वायर टू रिड्यूस डी वैल्यू टू वन बाय टेन ठीक है यानी कि डी वैल्यू वन बाय टेन से रिड्यूस करने के लिए हमें टेम्परेचर में क्या रिड्यूस करना पड़ा टेम्परेचर में क्या इंक्रीज करना पड़ा वो क्या है आपकी जेड वैल्यू है ठीक है तो जेड वैल्यू की यूनिट क्या हो या तो डिग्री सेल्सियस या डिग्री फाने आई और जेड वैल्यू किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गई डी वैल्यू की यानी कि अगर डी ज्यादा तो z कम और z कम तो d ज्यादा तो इसका मतलब ये है कि अगर z ज्यादा है तो एफिशिएंसी स्टेलाइजिंग एफिशिएंसी नॉट गुड ये ध्यान रखिएगा कि अगर z ज्यादा है तो सॉरी अगर d ज़्यादा सॉरी 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 अगर जो है d अगर z ज्यादा है तो d कम और d कम तो स्टेलाइजिंग एफिशिएंसी गुड सॉरी 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 है ना मे बी वो मेरा तक गड़बड़ हो गया अगर d ज्यादा अगर z ज्यादा है तो d कम और डी कम है तो हमारा जो स्लाइजिंग एजेंट है वो काफ़ी अच्छा स्लाइजिंग एजेंट है ठीक है अगर हम इसकी बात करें इसके फॉर्मूले की तो कैसे निकालते हैं Z इक्वल्स टू टी टू माइनस टी वन अपॉन लॉक डी वन माइनस डी टू देखिए यहाँ पर हमने log डी की वैल्यू वन टू थ्री फोर इस तरीके से कन्वर्ट किए क्यों क्योंकि यहाँ पर वन जो है वो log ये टेन की वैल्यू है टू जो है हंड्रेड की वैल्यू होती है थ्री जो होती है वो थाउजेंड की वैल्यू होती है क्योंकि टेन की पावर टेन से थ्री चला जाएगा तो थ्री बाहर आ जाता है ठीक है वो छोड़ दीजिए आप तो जान लीजिए कि लॉक टेन की वैल्यू वन लॉक हंड्रेड की वैल्यू टू लॉक थाउजेंड की वैल्यू थ्री होती है ठीक है अब इसमें जो है टेन फोल्ड मुझे चेंज करना है टेन फोल्ड मुझे जो चेंज करना है दैट इज जो है ये यहाँ पर जो है ये यहाँ पर ठीक है तो टेन फोल्ड चेंज करना है जैसे ये एक सौ बीस से एक सौ तीस डिग्री सेल्सियस ठीक है यानी कि मुझे ये d में यानी कि d में मुझे वन बाय टेन का चेंज करना है देखिए d में वन बाय टेन का चेंज करना है तो यहाँ पर जो है वो मुझे कितना डिग्री चेंज करना पड़ेगा टेम्परेचर में वो क्या है आपकी z वैल्यू तो यहाँ से मुझे ये जो है z वैल्यू पता लग जाएगी ठीक है तो z वैल्यू की यूनिट क्या हुई डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फॉर्म है ठीक है तो अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं दैट इज़ द एफ वैल्यू ठीक है एफ वैल्यू जो होती है वो फूड इंडस्ट्रीज में बहुत आ, जो है काम की वैल्यू है ये कह सकते हैं और मेनली ये फूड इंडस्ट्रीज के लिए ही जो है एप्लीकेबल होता है ठीक है अब इसके अंदर होता क्या है इट्स इसको हम थर्मल डेथ टाइम भी बोल सकते हैं ठीक है थीके? एक ये थर्मल डेथ टाइम का कॉन्स्टेंट है इसमें इट इज द नंबर ऑफ मिनट्स टू ए गिवन रिडक्शन इन द माइक्रोबिल पॉपुलेशन ऑफ ए स्पेसिफिक टेम्परेचर मतलब कि जितने मिनट्स जो होंगे कि कितने मिनट्स में हम जो है कितना रिडक्शन कर सकते हैं इट इज़ द नंबर ऑफ मिनट टू अकम्पलिश है गिवन रिडक्शन इन द माइक्रोबियल पॉपुलेशन ठीक है तो यहाँ पर जो एफ वैल्यू है वो मिनट्स में हम डिसाइड करते हैं ठीक है एफ वैल्यू को अगर हम बात करें कि जनरली जो एफ वैल्यू को डिटरमाइन किया गया है वो जो है 121 डिग्री सेल्सियस पर डिटरमाइन किया गया है यानी कि एफ वैल्यू को इसको आप ऐसा समझिए कि 121 121 पे हम हम जो जो है है कितना का अगर किसी माइक्रो सिस्टम को जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दे रहे हैं तो वो कितने time में किल होगा ठीक है इट इज डिफाइंड एज द इक्वलेंट इन मिनट ऑफ 121 डिग्री सेल्सियस टू डिस्ट्रॉय स्पोर और वेजिटेटिव सेल ठीक है तो यहाँ पर जनरली ये देखा गया है कि जो आपका 121 ट्वेंटी वन डिग्री सेल्सियस या आपका 250 फिफ्टी डिग्री फारने पे जो है जनरली इंडस्ट्रीज यूज करती है क्लॉस्ट्रीडियम बॉटिल जो बॉटिलिनियम के जो स्पोर्स है उसको किल करने के लिए तो एफ वैल्यू का जो रेफरेंस वैल्यू है वो 121 डिग्री सेल्सियस पे मेजर किया जाता है ठीक है तो जनरली एफ वैल्यू का यूनिट क्या हो गया एफ वैल्यू का यूनिट वही है जो आपका डी का यूनिट है मिनट्स है ठीक है तो इसको हम जनरली एक्सप्रेस किस में करते हैं टू डी ट्वेल्व डी टी के मल्टीपल्स के फॉर्म में हम इसको जो है एक्सप्रेस करते हैं टू डी ट्वेल्व डी टेन डी थर्टीन डी इस तरीके से ठीक है तो यहां पर 121 डिग्री सेल्सियस या 250 डिग्री फारने पे हम कितने मिनट्स में उनके स्पोर्स और वेजिटेटिव किल पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं ये जो वैल्यू है दैट इज एफ वैल्यू ठीक है और ये जो कैन फूड है और सेल्फ स्टेबल जो फूड है उनके लिए ये वैल्यूज डिटरमाइन करना बहुत जरूरी होता है ताकि हमें ये पता लग सके कि, कि इसमें इतने टेम्परेचर के एक्सपोजर पे उसको एक्सपोज किया जाता है उस टेम्परेचर पे और पर्टिकुलर टाइम पे ताकि इतने माइक्रोब उसके अंदर किल हो सके ठीक है जो एफ वैल्यू है उसको डिटरमाइन करने के लिए ठीक F F है? जो एन नॉट है आपका, वो किस पे मेजर करेंगे आप 121 सेल्सियस पे, और 121 degree Celsius पे देखा गया है कि 12, जो डी के वैल्यू होती है वो 12 टाइम्स होती है 12 फोल्ड हो जाती है 12 डी होती है ठीक है तो और एन नॉट जो होता है वो आपका इनिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एन जो है जो है आपका टी टाइम के बाद आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है पर यूनिट वॉल्यूम ठीक है तो यहां पर जो है आपका एफ वैल्यू आ गया ना हम बात करेंगे क्यू टेन वैल्यू की सीधी पर ठीक है टेन डिग्री बढ़ाने पर हमें जो है हमारा माइक्रोब्स कितना परसेंट ज्यादा रिड्यूस हो रहा है इसे क्यू टेन इसको हम बोलते हैं क्यू टेन कोफिश इट इज द इंक्रीज इसकी स्पेलिंग से इन द रिएक्शन और किलिंग द रेट किलिंग रेट ब्रॉट अबाउट इन देश टेन डिग्री सेल्सियस तो दस डिग्री बढ़ाने के लिए हमें कितना दस डिग्री uh, अगर हम बढ़ा रहे हैं तो कितना ये माइक्रोसिस्टम जो है कितने कम टाइम में किल हो जाएगा तो so, इसका जो फॉर्मूला है दैट इज क्यू टेन इक्वे टेन प्लस के टी प्लस टेन अपॉन के टी केटी मतलब की जो भी रेगुलर टेम्परेचर आप लेते हैं ठीक है थीके? और उसमें आपने टी जो बढ़ाया उसका कोफिशियंट है ये ठीक है डिस्क्राइब द इट तो क्यूटेन हमें क्या दिखाता है इट डिस्क्राइब द चेंज इन द डेथ रेट ओवर टेन डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर यानी कि टेन डिग्री सेल्सियस जब हम इसको फ्लक्चुएट करेंगे तो ये कितना जो है कितना माइक्रोव को किल करेगा अब हम बात कर लेते हैं आपका इनएक्टिवेशन फैक्टर जो कि आपका लास्ट है जो कि आपका इफुलेशन एफिशियंस उसके बाद खत्म हो जाएगा ठीक है अब हम बात कर लेते हैं इनएक्टिवेशन फैक्टर की इनएक्टिवेशन फैक्टर मतलब कि ये एक डिग्री है यानी कि एक रेशो है जिसमें हम जो वायबल पॉपुलेशन है जो रिड्यूज हुई है उसके इनिशियल वायबल पॉपुलेशन से ठीक है यानी कि हम इसको इनएक्टिवेशन in फैक्टर हम कैसे निकालते हैं इट इज द डिग्री टू विच द वायबल पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेन इज रिड्यूस्ड बाय डिवाइडिंग द इनिशियल काउंट बाय द फाइनल वायबल काउंट यानी कि इनएक्टिवेशन फैक्टर को हम जो फाइनल वाइबल काउंट कितना बचा है एक्सपोजर के बाद और पहले कितना था इसके हिसाब से यानी कितना इनएक्टिवेट हुआ ठीक है वो उसको डिसाइड करता है ठीक है अब यहाँ पर जो है इट कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ डी वैल्यू यानी कि वही हम देखते हैं कि कितना